नमस्कार दर्शकों कार्यक्रम जनवानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं कार्यक्रम जनवानी के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दे और जनता की आवाज़ को आपके बीच लेकर आते हैं और दर्शकों आज हम आपको बताने वाले हैं विश्वकर्मा योजना वह आजीविका मिशन से महिलाएँ किस प्रकार लाभान्वित हो सकती हैं और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं अनिल शर्मा जी जो कि हैं सी ई शिमला से सर आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और एन की जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तो एक बहुत बड़ा रोल उनका रहता है खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें या ग्रामीण परिवेश की बात करें तो अपलिफ्ट में, में काफ़ी रोल एन का रहता है तो सर सबसे पहले तो मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा आज हम बातचीत करने वाले हैं विश्वकर्मा योजना के बारे में और ख़ासकर महिलाओं के लिए तो आप काफ़ी कार्य करते हैं तो ये जो विश्वकर्मा योजना है ये है क्या और जब ये इफेक्ट में आएगी तो इससे क्या लाभ होंगे सबसे पहले तो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ तक पीएम विश्वकर्मा योजना की बात है ये भारत सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली 17 सितंबर को ही लॉन्च की गई है इस योजना के जो लाभार्थी होंगे वो शिल्पकार वो आर्टिसंस जो गांव में रहते हैं जिनको हम लगभग भूल गए हैं जैसे बड़ई सुनार लुहार नाई। इस तरह के वो लोग जो गांव में रहते हैं और अब धीरे 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 शहरीकरण के चक्कर में हम उनको ना सिर्फ उन लोगों को भूल गए बल्कि उनकी कला को भी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं जी। तो भारत सरकार का ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि ऐसी कला को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसी स्कीम को लॉन्च करें जिसके तहत ऐसे कलाकारों को ऐसे रूरल आर्टिस को जो है वो संजो के रखा जा सके उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह स्कीम लॉन्च की गई है और लगभग 18 ऐसे ट्रेड्स हैं जैसे कुम्हार पोटरी का काम करते हैं आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं अब धीरे धीरे विश्व भर में इस चीज की मांग बढ़ती जा रही कि हम हम मिट्टी के बर्तनों की तरफ को जाएं तो वापिस पुनः जो है वो हम ऐसी आर्ट की तरफ को हमें आना पड़ेगा जी और सर जब हम बात करते हैं आपने जिक्र भी किया कि हमें कहीं ना कहीं हुनर को तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ख़ासकर अपने रूट से अगर हम जुड़ने की बात करें और अगर हम हिमाचल की बात करें हिमाचल में बहुत सारे ऐसे आर्टिज़न्स हैं बहुत सारी ऐसी कला है अगर हम किन्नौर से लेकर लाहौल स्पीति से लेकर कांगड़ा में देखें हर ज़िले में कोई ना कोई एक नया हुनर है कोई ना कोई जैसे कांगड़ा की पेंटिंग्स का ही आप जिक्र कर लीजिए या फिर अगर आप किन्नौर जाएँ तो वहाँ पर आप देखते हैं कि किस प्रकार से शॉल की जो बुनाई की जाती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं आजीविका की आजीविका तो लोगों को इससे मिलेगी मिलेगी पर कहीं ना कहीं अपने कल्चर को कलाकारों को बल्कि उसके साथ साथ ये जो खत्म होती लुप्त होती जो कला है इसको भी हमने संजो के रखना है देखिए आज भी हिमाचल प्रदेश के जो पुराने मकान है लकड़ी के बने हुए मकान होते हैं लकड़ी और पत्थर के ये ऐसी कला है जो जापान में या फिर और कई बड़े देशों में मिलती है शायद वहां भी नहीं है ऐसी कला है भूकंप जितना मर्जी आ जाए ये भूकंपरोधी मकान होते हैं जी इस तरह के मंदिर आप देख लीजिए मकान आप देख लीजिए ये ऐसी कलाएं हैं जो व्यक्ति के साथ ही खत्म होती जा रही है जी, तो जैसा मैंने पहले ही कहा हैंडलूम सेक्टर हो गया हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हो गया ये ये बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं लोग हैं जो बड़े हाथ से अपना काम करते हैं मशीनों से काम नहीं करते हैं नहीं। और निश्चित तौर पर इस किस्म की स्कीम से डायरेक्ट बेनिफिट उन लोगों को होगा तो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री हमारी पहले से ऑलरेडी एक स्कीम चल रही थी जिसके तहत गुरु शिष्य परंपरा पर मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना जी। पहले से चली हुई थी उसका भी पर्पज यही था लुप्त होती जो कला है हमारी उसको संजो के रखना और मैं समझता हूं कि अब पी एम विश्वकर्मा योजना से क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है तीस लाख बेनिफिशरीज होंगे जी। तीस लाख बेनिफिशरीज होंगे एक लाख रुपए तक की फर्स्ट ट्रेंच जो है उसकी सपोर्ट दी जाएगी फाइनेंशियल सपोर्ट और ये जो पैसा है लोन के रूप में मिलेगा लेकिन सिर्फ पांच प्रतिशत ब्याज पर जी अगर मान लीजिए बैंक से आपको दस प्रतिशत मिल रहा है तो जो अगला पांच परसेंट का जो बर्डन है वो गवर्नमेंट अपने ऊपर ले रही है जी तो सर आवेदन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं बहुत ही कम ब्याज पे आपको लोन भी दिया जाएगा कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी आपको दिया जाएगा और खासकर जो आपकी कला है जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि बहुत सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स हैं बहुत सारे आर्टिजन हैं जो कहीं ना कहीं हिमाचल <coughs> की जान है हिमाचल की पहचान है तो आवेदन हम कैसे करेंगे और आवेदन करने के लिए क्या इसमें कोई एज लिमिट है क्या क्राइटेरिया रहता है देखिए मिनिमम एज लिमिट इसमें अठारह वर्ष जरूर रखी गई है अपर एज लिमिट नहीं है और जो भी गांव गांव में आपके जो हमारे जो कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर खुले हैं सी आर सी सी इन सेंटर्स में जाकर जो है वो आप आवेदन कर सकते हैं सिर्फ आपको अपना एक आधार कार्ड साथ ले जाना है और अपना मोबाइल नंबर ले जाना है उसके बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और पंचायत के जो हेड हैं वो उसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ व्यक्ति इस ट्रेड से ताल्लुक रखता है जी और सर आपने जब जिक्र भी किया आपने कहा कि स्टेट भी एक ऐसी स्कीम लेके जा रही है और काफ़ी लोग उसमें भी मेरे ख्याल से रजिस्टर्ड होंगे तो अगर वो विश्वकर्मा योजना में अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो क्या कोई ऐसी कोई इशूज़ तो नहीं उनको आएंगे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना पिछले दो से तीन वर्षों में चली थी अब इस साल वो बंद हो गई है लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ये एक स्टेट की स्कीम बंद हुई और सेंटर ने जो ने इतनी बड़ी स्कीम लॉन्च कर दी जिसमें तीस लाख बेनिफिशरीज को बेनिफिट पहुंचाने का टारगेट रखा गया है तो उसमें भी यही था उसमें गुरु शिष्य परंपरा के आधार आधार पर था जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छे पेंटर हैं अब पेंटिंग भी ऐसी कला है वो भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है तो एक व्यक्ति जिसको पेंटिंग करनी आती है वो पांच और अपने शिष्यों को जो है वो पेंटिंग बनाना सिखा सकते हैं और सीखने वाले को भी रेमुनरेशन मिलता है और सिखाने वाले को भी रेमुनरेशन मिलता है तो मैं समझता हूं कि सरकार को निश्चित तौर पर इस तरह की स्कीम लानी चाहिए जैसे ये स्कीम लाई गई है और पीएम विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा के भी नाम भी। पर यह स्कीम लॉन्च की गई है भी। भी। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर इसका बहुत सारे लोगों को लगभग तीस लाख बेनिफिश का टारगेट रखा गया है बट ये टारगेट है ये आगे भी जा सकता है जी तो सर लाभार्थी आपको आपने बताया कि तीस लाख लोग लाभार्थी हो सकते हैं मैं आपसे जानना चाहूँगा जब हम लाभार्थी की बात करते हैं तो कितने ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं कितने लोग इससे कितने परिवार इससे जुड़ेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि कई जगहों पर महिलाएँ भी काफ़ी अग्रणी ऐसी स्कीम्स में महिलाएँ भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और अगर हम बात करें हिमाचल के कल्चर की या हिमाचल के आर्ट की तो हम देखते हैं कि चाहे वो कांगड़ा की पेंटिंग्स हो या फिर चंबा का एक और रूमाल हो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे हिमाचल को भी पूरे विश्व में नाम विख्यात करती हैं तो क्या महिलाएं भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे आएंगी आपको लगता है बिल्कुल आपने जैसा कहा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एक ऐसा सेक्टर है हैंडीक्राफ्ट में हमारा पाइन का जो क्लस्टर है चीड़ की पत्तियां आपने देखी होगी आग का कारण बनती है जंगल की आग का कारण बनती है हमारी महिलाएं अब वो इस मामले में बिल्कुल ट्रेंड हो चुकी हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं और वो जंगलों से चीड़ की पत्तियां इकट्ठी करती है और चीड़ से चीड़ की पत्तियों को बहुत सुंदर उत्पाद बनाती है मतलब आप देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी डिमांड है बहुत ज्यादा डिमांड है तो निश्चित तौर पर हमारे जो एस एस जी की मेम्बर्स हैं महिलाएं हैं गांव में रहने वाली महिलाएं हैं वो निश्चित तौर पर इसका लाभ उठाएंगी और वैसे भी आ, मैं समझता हूं कि गांव में रहने वाले जो परिवार हैं शहरों की तरह ऐसा सिस्टम नहीं है कि सिर्फ यहां पर एक व्यक्ति जो है वो काम करेगा और बाकी सारे जो है वो सिर्फ खाएंगे गाँव में हर एक व्यक्ति कंट्रीब्यूट करता है गाँव में हर एक चाहे वो महिला है पुरुष है बच्चे हैं बच्चे भी आपने देखे होंगे वो भी सुबह जाते हैं स्कूल जाने से पहले बाकी सारा काम करते हैं तो पूरा परिवार जो है वो आ, काम करता है तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर यह स्कीम बहुत लाभ पहुँचाएगी और यही इसका उद्देश्य है कि जो कुम्हार है सुनार है लोहार है वो सारे आर्ट और आर्टिसंस जो लुप्त होते जा रहे हैं उन सभी को इसको टारगेट बेनिफिशरी के रूप में लिया गया है और निश्चित तौर पर आ, उनको जो है इसका बहुत लाभ मिलेगा जी सर आवेदन करने के लिए जब हम टेक, हम कहते हैं कि कि टेक्नोलॉजी का युग है और खासकर भारत में तुम देख रहे हैं कि डिजिटल क्रांति काफी आगे आ चुकी है तो क्या आवेदन करने के लिए आपको कहीं सी में आपने कहा कि आप सी जा सकते हैं तो क्या आप घर बैठ के आप क्योंकि आजकल सबके पास स्मार्टफोन है तो क्या स्मार्टफोन के थ्रू भी आप आवेदन कर सकते हैं ई मेल के माध्यम से भी कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं हमने इसकी बकायदा आई की है जितने भी हमारे ग्राम पंचायतों के प्रधान हैं तीन हमारी ग्राम पंचायत है हिमाचल प्रदेश में इनके जितने भी प्रधान हैं उन सभी को हमने आई मटेरियल दिया है जिसके माध्यम से कैसे उन्होंने वेरीफाई करना है और कैसे लोगों को इसमें जागरूक करना है कैसे लोगों को बताना है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नज़दीकी सी एस सी सेंटर भी जा सकते हैं और अपने घर से भी उसको अप्लाई कर सकते हैं जी तो निश्चित तौर पर आप अपने घर से भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शन के भी आपको बोनस पॉइंट मिलते हैं अगर आप अपना छोटा सा कारोबार एक लाख रुपए की मदद से शुरू करते हैं और डिजिटली आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके आपको अलग से पैसे मिलते हैं जी बैंक के थ्रू जी अनिल शर्मा जी आपने जिक्र भी किया कि कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए स्कीम लाई है लोगों की जो कला है वो विलुप्त ना हो जाए लोग अपनी कला को बरकरार रखें कहीं ना कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा तो जब लोग कहीं ना कहीं कही सीखेंगे कहीं ना कहीं उनको एक आर्थिक मदद मिलती है वो अपने प्रोडक्ट्स क्योंकि एंड ऑफ द डे सब लोग चाहते हैं कि वो आजीविका अर्न करें तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए क्या कोई मार्केट की जब हम बात करते हैं तो मार्केट प्रदान करने में भी एनआरएल कुछ मदद करेगा देखिए एनआरएल जो है वो एक बहुत ही ज्यादा विस्तृत शब्द है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हम नेशनली काम करते हैं रूरल एरियाज़ को टारगेट लेके चलते हैं लाइवलीहुड पर काम करते हैं रोजगार पर काम करते हैं और एक मिशन मोड में काम करते हैं तो इन, इस डेफिनेशन से ही आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए एनआरएल किस गति से काम कर रहा है अगर मैं पिछले दो ढाई साल की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी स्पीड जो बैलगाड़ी की थी आज हमारी बुलेट ट्रेन की स्पीड हो गई है आज जो हमारे साथ तीन लाख पैंतीस हजार परिवार या महिलाएं जुड़ी हैं जी उनकी उन सभी के अंदर अपेक्षाएं हैं आशाएं हैं कि अब हमें लाइवलीहुड के बहुत सारे सोर्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे वो कोई भी प्रोडक्ट अपना तैयार करती है तो हमारी नाइनटी थ्री प्लेसेस पर हिमीरा शॉप्स हैं जी हिमीरा परमानेंट दुकान है हिमीरा हमारा ब्रांड नेम है वीकली मार्केट्स लगती है सरस फेयर लगते हैं जिलों में जैसे रेणुका फेयर है लवी मेला है इन मेलों के साथ जो बड़े मेले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं या फिर जिला स्तर के मेले हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम प्रोवाइड करवाते हैं कि एस एच जी मेम्बर्स को भी पाँच सात दस पंद्रह स्टॉल्स उनमें मिल जाए ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के दो सरस फेयर होते हैं शिमला में मुझे ध्यान है बल्कि आपने बहुत अच्छी कवरेज की थी फूड कार्निवल हमारा हुआ था बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा

जो भी हमने ये सब कुछ फूड कार्निवल किया था अब निश्चित तौर पर हमारे ऊपर जिम्मेवारी भी बड़ी है और उम्मीदें भी बड़ी हैं अब बहुत सारी महिलाएं हैं वो हमेशा कहती हैं कि सर आप इस किस्म के मेले सिर्फ शिमला में नहीं मनाली में धर्मशाला में और जगह भी आयोजित कीजिए तो मैं समझता हूँ कि लाइवलीहुड को लेकर जो हमारा हमारी एक प्रयास है वो बिल्कुल चरितार्थ होता दिख रहा है आज हजारों लाखों के हिसाब से महिलाएं लाइवलीहुड के साथ जुड़ी हैं चाहे वो फार्म फार्म सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर नॉन फार्म सेक्टर है फार्म में आपने दालें उगाई आपने दूध जो है वो गाय भैंस दूध दूध कर सकते हैं तो बहुत मुश्किल था लेकिन आज मेरे पास सैकड़ों के हिसाब से ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां महिलाएं जो है वो गुड़गांव नोएडा हैदराबाद ऐसी जगह जहां हम नहीं गए हैं वहां वो जाके आई हैं राष्ट्रपति अभी अमृत उद्यान करके राष्ट्रपति भवन में वहाँ पर वो जाके आए राष्ट्रपति जी से मिल के तो बहुत एक अलग ही लेवल उनका है कॉन्फिडेंस का जी और यही हमारा उद्देश्य है कि इन महिलाओं का उत्थान इसी से हो सकता है जी तो। अनिल शर्मा जी जब हम बात करते हैं स्किल्ड लेबर की तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री का भी ये सपना है कि जो भी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं स्किल हो उसके स्किल को इंटरनेशनल लेवल पे रिकोगनाइज किया जाए जब हम विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आर्टिजन हैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें भी जो लोग करते हैं चाहे वो लोहार का, का काम करते हों या सुनार का, का काम करते हों तो उनके स्किल को डिवेलप करने के लिए उनके स्किल को एहानस करने के लिए भी क्या कोई ट्रेनिंग की भी इसमें प्रावधान रखा गया है बहुत अच्छी बात आपने की देखिए रूरल वैसे तो अपनी फील्ड के माहिर लोग हैं एक्सपर्ट लोग है ये माना जाता है। लेकिन फिर भी दिन का एडवांस कोर्स समय के साथ समय को देखते हुए क्योंकि एक समय था जब आप सब कुछ हाथों से करते थे उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग था समय बहुत लगता था जी। अब धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी मशीनरी आ गई है जिससे आप एक यूनिट को पहले दस दिन में करते थे अब आप एक दिन में तैयार कर लेते हैं आज हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं रूरल आर्टिस्ट जो हमारे तैयार करते हैं उनको हमने छोटी छोटी मशीन दिलाई है तो निश्चित तौर पर उनको बहुत फायदा हुआ है मार्केट में भी जो प्रोडक्ट उनके मान लीजिए दस दिन में कोई चीज तैयार होती थी जी। आ, अब वो एक या दो दिन में तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर उससे उनको बहुत फायदा मिला है पीएम विश्वकर्मा में भी एडवांस जो कोर्सेज हैं वो इसमें है पंद्रह दिन के एडवांस कोर्सेज है और मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठाएं बहुत लोगों को फायदा होने वाला है बिल्कुल सर पीएम विश्वकर्मा योजना में आपने कहा कि कहीं ना कहीं आप लोन भी ले सकते हैं लोन की अमाउंट भी आपने जिक्र किया ब्याज भी बहुत मिनिमम रहती है पाँच प्रतिशत की दर जो आपने बताई तो सर लोन लेने में क्या कितना समय लग जाता है और कितनी जल्दी ये लोन प्राप्त हो जाता है और आपने रिटर्न कब करना है क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो भी आर्टिजन इसके साथ जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से कला को भी प्रमोट करें कल्चर को भी प्रमोट करें और कहीं ना कहीं ज़रूरत भी है कि हम लोग भी उनको सपोर्ट करें तो तो लोन रिपेमेंट का का क्या क्या इसमें इसमें ऑप्शन रहता रहता है क्या प्लान रहता है है तो है 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 प्लान देखिए दो कंपोनेंट पहला कि टूल टूल किट किट इंसेंटिव है का। वो आपको फ्री मिल रहा है। टूल्स लेने के लिए टूल किट का इंसेंटिव है। जी। दूसरी बात की, की जैसे ही आप सीएससी में जो हेड है कि आपने जो अपना ट्रेड बताया है एक तो ये कि आप उसी गांव के निवासी होने चाहिए क्योंकि इस योजना के ताकि जो लाभ है उन लोगों को मिले जो जरूरतमंद है है और पात्र व्यक्ति तो अगर आपने जो इस ट्रेड में अपना अप्लाई किया है वही ट्रेड आप करते हैं तो वो वेरिफिकेशन होगी सात दिन के अंदर अंदर ये बैंक को चला जाएगा कंसर्न बैंक को और बैंक की ये ड्यूटी है कि अगले पंद्रह दिनों के अंदर अंदर लोन को उन्होंने अप्रूव करना है जी रिजेक्ट करने के भी चांस नहीं है क्योंकि होगा एक लाख रूपये अठारह उसको फर्स्ट ट्रेंच है ये वापिस करना है फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे अगले दो लाख के लिए जी तो कुल मिलाकर आपको तीन लाख रुपए की इसमें फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली है जो कि सिर्फ पांच प्रतिशत ब्याज पर होगी जी तो मैं समझता हूँ इससे बहुत आप आपको फायदा बिल्कुल और इतने कम ब्याज दर पे तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की भी हम बात करें तब भी इतना कम ब्याज पे, पे नहीं भी नहीं पे इस किस्म की इतनी पाँच परसेंट पर तो मैं नहीं समझता कि कहीं भी है इवन हमारा जो आ, हमारा जो प्रायोरिटी सेक्टर है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी जो लोन मिलता है या जो सबेंशन मिलता था वो भी सेवन है बिल्कुल तो पाँच प्रतिशत बहुत कम है और ये इसीलिए कि आर्टिस को उनके आर्ट को उनकी कला को बढ़ावा मिल सके प्रोत्साहन मिल सके अनिल शर्मा जी आप सी हैं एन आर एल एम के और जब हम एन आर एल एम की बात करते हैं या स्टेट लेवल पर भी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि एन आर एल एम या स्टेट लेवल पर जो मशीनरी है महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है इन सारी स्कीम्स में तो आपको क्या लगता है कि क्यों आवश्यकता है कि महिलाएँ जितनी भी स्कीम्स लाई जाती हैं उसमें भागीदारी बने देखिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल महिलाएँ ही पेश करती हैं प्ले करती हैं परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक महिला किसी भी परिवार को आप देख लीजिए परिवार को परिवार तब तक नहीं कहेंगे जब तक उसमें महिला नहीं है बिल्कुल और दूसरी बात ये कि अगर महिला अपने परिवार को चला सकती है तो वो प्रदेश को भी आगे बढ़ा सकती है देश को भी आगे बढ़ा सकती है परिवार प्रदेश और देश की उन्नति में प्रोग्रेस में बहुत रोल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो महिलाओं की होती है दूसरी बात यह कि महिलाएं जो है वो बड़ा जिसको कहते हैं बड़े सोच समझ कर बड़े ध्यान से चीजों को इंप्लीमेंट करती है तो क्योंकि निस्वार्थ बहुत से वो करती है कंपैरेटिवली ऑनेस्ट होती है अगर मैं ये सारी चीजें कहूँ तो इसलिए मुझे लगता है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण बनती है लाहौल स्पीति कुल्लू किन्नौर एम जी नरेगा स्कीम और बहुत सारे स्कीम्स आप देख लीजिए इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो कार्य है वो महिलाएं करती जी और जो हिमेरा का जो फूड कार्निवल था जिसकी चर्चा आपने भी की और काफी वो फेमस हुआ हम देख रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो व्लॉगर्स जब शिमला आए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं उस स्वाद का लुत्फ लिया और कहीं ना कहीं दिखाया कि जो पूरा कार्निवल है ये महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है खाना भी महिलाएं बना रही है सर्व भी वो कर रही है और कहीं ना कहीं जो एक इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी होती है हम कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि कॉपोरेट मार्केट है कहीं ना कहीं आपको अपना जो प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा तो वो भी बेखूबी वो सेल कर रही है जी देखिये एन आर एल एम खासकर से हमारा जो हिमाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये इस बात पर अब बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है प्रोफेशनली कि हम एस एस जी के बने जो प्रोडक्ट्स हैं जी उनको प्रीमियम प्रोडक्ट्स के रूप में मार्केट में उतारें और उसके लिए हमने काफ़ी प्रोफेशनल एजेंसीज को अपने साथ अब टाई अप किया है हम चाहते हैं कि इन महिलाओं के हाथों से बने जो प्रोडक्ट्स हैं इसका स्वाद सिर्फ हिमाचल ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जैसा आपने कहा मतलब कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं हम सर ये भी देख रहे हैं कि पहले तो ये होता था कि सिर्फ जब स्कीम्स की हम बात करते थे हम देखते थे कि महिलाएं सिर्फ अचार बना रही हैं और कहीं ना कहीं उसी उसी चीज़ पे सीमित था पर अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं बहुत सारे ऐसे जैसे कि चीर से बने हुए कास्केट्स हैं और रोटी रोटी रखने वाले जो डब्बे हैं उस उस प्रकार की चीज़ें भी हैं खाने नए नए खाने लाए जा रहे हैं बहुत सारे लोग जब यहाँ पे थे उन्होंने किनौर की बहुत सारी ऐसी डिशेज ट्राई की बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्राई की तो कहीं ना कहीं एन की जो महिलाओं के उत्थान में वो मुझे लगता है कि काफी हद तक सफल होती हुई नजर आती है आ, मुझे बहुत अच्छा लगा और यही हमारा उद्देश्य होता है कि हम खुद अपनी तारीफ ना करें जी दूसरे हमें बताए कि हमारा कार्य कैसा है क्योंकि फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आपका ऐसा फीडबैक है तो यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के लिए हम कार्य करते हैं जी सर स्कीम्स की अगर हम बात करें हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई जा रही हैं एन द्वारा खासकर महिलाओं के उत्थान में और महिलाओं की आजीविका कहीं ना कहीं वो अपनी एक आजीविका अर्न करें तो सर अगर आप थोड़ी सी स्कीम्स के बारे में बताएँ कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं और जो महिलाएं अभी भी जुड़ना चाहती हैं इन स्कीम्स का लाभ लेना चाहती हैं वो कैसे जुड़ सकती हैं देखिए सबसे जरूरी यह है कि एक गांव में रहने वाली महिला के लिए सोशली और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है आप सामाजिक रूप से डिपेंडेंट हैं औरों पर जी। आपके बारे में या आपके आपसे आपके परिवार या आपसे संबंधित जो निर्णय वो किसी और के द्वारा लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको भागीदार होना पड़ेगा उस समाज के निर्णय लेने में वो तभी संभव हो पाएगा जब आर्थिक रूप से आप अपने आप को सशक्त करेंगे इन दोनों कार्यों पर जो है वो हम काम करते हैं शुरू में इसको कहते हैं हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में और ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं इसके साथ साथ सेकेंड जो तरीका जो चीज होती है वो ये होती है कि आपने ग्रुप तो बना लिए लेकिन अब ग्रुप करेगा क्या भाई पहले तो आपके सोशल इश्यूज थे किसी को किसी किस्म की प्रॉब्लम थी घर में कोई प्रॉब्लम थी समाज में कोई किसी ने शराब का ठेका खोल दिया गांव में आपके काम नहीं हो रहे हैं वगैरह वगैरह इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जी। आ, भांग है अफीम है ये सारी चीजें हैं ड्रग्स है इन सब सोशल चीजों को लेकर आप जो है वो काम करते हैं लेकिन जब आप तीन महीने छह महीने से ग्रुप में जुड़े हैं फिर आपका ये भी उद्देश्य होता है कि अब आपको काम मिले अब आप लाइवलीहुड के साथ जुड़े और जब आप लाइवलीहुड के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप फिर क्रेडिट के साथ जुड़ते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए एक्सपेंड करने के लिए आपको पैसा चाहिए पैसा फिर बैंक देता है तो ये सारा का सारा जो साइकिल है 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 जो सिस्टम ये NRLM ही इसको बुनता है। जी। और मेरे पास जैसा मैंने कहा सैकड़ों के हिसाब से एग्जाम्पल है सैकड़ों के हिसाब से एग्जाम्पल है जहां पर हमारी महिलाएं जो है वो अपना पूरा का पूरा जो घर का जो बर्डन इसको कह लो या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कह लो अपने ऊपर ले रही है और नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना इन्होंने अपनी एक जो है वो छाप छोड़ी है बिल्कुल कंडा घाट की एक महिला है श्रीमती ममता तो कोरोना काल में सभी को प्रभावित किया सबके बिजनेस को प्रभावित किया तो उनका एक छोटा सा मशरूम का प्लांट है जी। आप यकीन नहीं मानेंगे उन्होंने जब देखा कि मशरूम नहीं बिक रहे हैं तो उस मशरूम को सुखा के उसका पाउडर बना के और अचार बना के उन्होंने उसको रख लिया और उसको बाद में बेचा वाह और लाखों का जो है ना उनको उससे फायदा हुआ श्रीमती मंजू है कंडक हाट ब्लॉक की है हमारी तो वो कपड़े भी सिलती हैं पाइन के बहुत सुंदर प्रोडक्ट्स बनाती हैं अचार बनाती है और उनके घी हनी इस तरह की मतलब इतने डिमांड है कि वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है जी जब वो सरस मेलों में हम इनको भेजते हैं ज्योति जी हैं कुल्लू की वो उनके बनाए हुए जो एप्पल के जो चिप्स हैं एप्पल एप्पल खराब हो जाते हैं तो वो सारे इकट्ठा करती हैं उसके धीरे धीरे काट के उसके छोटे छोटे पीसीज बना के मतलब इतना कुछ मैं आपको कह सकता हूं मेरे पास सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमने बनाई हुई है सक्सेस स्टोरी जिससे ये लगता है कि महिलाओं के लिए स्काइज द लिमिट जी और सर कहीं ना कहीं एक्सपोजर की बात भी होती है टैलेंट हर इंसान में होता और कही कही है और कहीं ना कहीं अगर हम अपनी महिला शक्ति की बात करें और खासकर हिमाचल की हम बात करें तो महिला शक्ति काफ़ी रिनाउंड है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिनमें वो बहुत ज़्यादा आगे पर कहीं ना कहीं थोड़ी एक्सपोजर की कमी रहती है और एन उस एक्सपोजर को उनको देने में काफ़ी हद तक मुझे लगता है सफल रहा है और कहीं ना कहीं कही बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और दूरदर्शन के माध्यम से भी लोगों ने बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरी देखी हैं चाहे आपने पाइन का जिक्र किया चीर से बने हुए प्रोडक्ट्स दर्शकों ने देखे हैं ख़ासकर दूरदर्शन पर कि किस प्रकार से वो बनते थे और उसमें स्मेल तक नहीं थी किस प्रकार से उसको ऑर्गेनिकली बनाया गया था और उसकी डिमांड की जब हम बात करें तो वो जो महिलाएं वो बताती हैं कि कहीं कही ना कहीं ऑल ओवर इंडिया से लोगों के पास उनक, उनके पास उनके उनके ऑर्डर्स आते हैं बिल्कुल है। बिल्कुल देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आ, आज वर्तमान में मैं की जो हमारी पूरी टीम है उसको लीड कर रहा हूं और बड़ा फक्र महसूस होता है कि साढ़े लाख परिवार जो हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े हैं ये वो परिवार हैं ये वो महिलाएं हैं जो छोटे स्तर पर स्मॉल माइक्रो uh, लेवल पर कार्य कर रहे हैं और इनका जो इनका जो किया हुआ कार्य वो दिखता है मतलब प्रधानमंत्री जो है देश के वो तारीफ करते हैं कि इनके बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी विश्व भर में जो है वो धूम है जी ट्वेंटी सम्मेलन हुआ आप यकीन मानिए मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जो एस एस जी ने तैयार किए गए थे वो विदेशी मेहमानों को दिए गए उन्होंने बहुत उसको सराहा बहुत पसंद किया तो मैं समझता हूँ कि इन महिलाओं के लिए स्काई इज द लिमिट और हमें पूरी एन आर एम जो है वो इनके विकास के लिए उत्थान के लिए दिन रात कार्य कर रहा है जी और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आ, हम और भी नई ऊँचाइयाँ छुएंगे ये मेरी ईश्वर से कामना जी है। सर स्काई इज द लिमिट आपने कहा और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है एज इज़ जस्ट अ नंबर तो जितनी भी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा तो कितनी मैक्सिमम कितनी एज लिमिट रहती है और मिनिमम कितने उम्र से लोग जुड़ जाते हैं संक्षेप में देखिए पहली बात तो ये है कि इसमें शादीशुदा जो महिलाएं होती है शादीशुदा महिलाएं होती है वो जुड़ती है तो अठारह साल से ऊपर और पचपन साल तक की आयु की जो महिलाएं उसके साथ जुड़ती हैं। और जुड़ने के बाद जैसे मैंने कहा कि स्वयं सहायता समूह बनते हैं ग्राम संगठन बनते हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनते हैं तो इस तरह से हमारा एनआरएम का जो परिवार है वो फलता फूलता है जी अनिल शर्मा जी आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने लोगों के साथ साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू वेरी मच तो दर्शकों आज के जनवाणी कार्यक्रम में बस इतना ही अब मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार